नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हमारे 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर था और बच्चे अभी एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि उनका पेपर कैसा हुआ है, केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, पेपर का जो लेवल था वो क्या रहा है, कैसा रहा है। तो हमारे पास में बच्चे आ गए हैं, तो देखते हैं, आइए बात करते हैं इनसे और रिव्यू लेते हैं केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। तो हाँ, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? बढ़िया सर। कैसा हुआ पेपर? सर ठीक हुआ। अच्छा हुआ। कैसा लेवल था? लेवल सर मीडियम था। सर मीडियम था। यस सर। मैं तो थोड़ा मीडियम से मतलब अटेम्प्ट तो पूरे कर देते हैं ना। यस सर अटेम्प्ट पूरा कर। और ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन थे ये बताओ आप मुझे। क्वेश्चन सर ठीक थे सर, लेकिन थोड़ा बीच बीच में मतलब लेवल कैसा था मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपके नीट में या फिर जेई में जैसे नीट या जेई में जो ग्राफ था सर उस लेवल का सर, कभी अप था सर, कभी डाउन था सर, कभी इजी था सर, कभी बहुत टफ था सर, इसलिए हमें थोड़ा मतलब एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। क्या लगता है 100 मार्क्स आ जाएंगे आपके? 100 सर 100 तो नहीं आएंगे सर, लेकिन 90+ आ जाएंगे। हाँ 90+ एक्सपेक्ट करते हैं आपके सर। तो मतलब गलती कहाँ पे हुई है? पेपर टफ भी नहीं था, मॉडरेट आप पेपर बता रहे हो। जैसे तो कि अभी सुमित ने बताया ही कि जो ग्राफ था वो कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था सर, उस कारण सर अभी ऐसा लगा कि पेपर आसान है तो हम रिलैक्स हो गए, लेकिन फिर अचानक मुश्किल क्वेश्चन आ गया, फिर हम दोबारा चुकस्त हो गए। इस वजह से जो है सर आपके गलती कहाँ पे की है पेपर में आपने? सर गलती ये की है कि सर जो कुछ चीज़ें ऐसी थी सर जो कि बिल्कुल पहले आसान लग रही थी, तो हमने सोचा कि वो हो जाएगी। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना? नहीं सर, इस बार आए थे 16 क्वेश्चन। हाँ, जो भी 16 क्वेश्चन आए थे उनका लेवल कैसा था मुझे ये बताया, मतलब या तो 16 के 16 ही टफ थे या फिर उनमें 50% का लेवल मॉडरेट था। रीजन थे सर वो इजी थे सर, एमसीक्यूज भी मैक्सिमम इजी थे, बीच में डिफिकल्ट थे जिनमें प्रॉब्लम आती थी सॉल्व करने में, वो भी हो गए थे एंड पॉइंट पे, वो भी हो गए थे। तो फिर जो आपके बड़े लॉन्ग क्वेश्चन थे या फिर जो मीडियम वाले जो क्वेश्चन थे वो उनका लेवल कैसा था? ठीक थे सर, जो न्यूमेरिकल्स थे वो तो इजी थे सर, बाकी जो क्वेश्चन थे आजकल जैसे कंपटीशन ट्रेंड पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो केस बेस्ड तो सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा वो जो पूरा पॉइंट आंसर होते हैं वही होते हैं। और न्यूमेरिकल वगैरह या फिर जो कैलकुलेटिव पार्ट था केमिस्ट्री में वो कैसा था, मतलब कहाँ पे बच्चों को कहाँ कहाँ पे मतलब दिक्कतें पैदा हो रही थी पेपर को सोल्व करने में? जो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत थी, जो मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे थे उनको खासकर ऐसे वैल्यूज ऐसी दे रखी थी पेपर में कि जो देख के ऐसे मुश्किल लग रही थी, बट सर जब इनको पुट करते थे क्वेश्चन में तो फिर सर वो तो मुश्किल वो अच्छे से सिंप्लीफाई होकर अच्छा आंसर आता था उसका, मतलब डेसिमल पॉइंट्स के अंदर नहीं आता था। तो मतलब ओवरऑल यूँ कह सकते हैं हम कि जो पेपर था उसका लेवल ना तो ईजी था ना ही ज़्यादा ही टफ था, मतलब मॉडरेट लेवल था। ठीक है, ऐसा होना चाहिए पेपर। अगर अच्छे से बच्चा समझ के 3 घंटे में उसको करे तो गारंटी के साथ 90+ मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी साल की शुरुआत से, वहाँ से अगर मेहनत की तो तब आएंगे 90+, वरना तो उम्मीद है इस बार जेनवी डोडा के बच्चों को केमिस्ट्री में 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं, तो ऐसे इनका कहना है और देखते हैं रिजल्ट भी आएगा। तो आगे जो पेपर है आपके, आप किसका है? फिजिक्स का है। तो आप आपको पैटर्न पता चल गया कि केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप उसी पैटर्न के बेस पर आप जो अगला एग्जाम है ना उसकी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है? तो आपको पहले से ही मेंटेलिटी बना लेनी है, जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज करना है और अच्छे से जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो डेरिवेशन होते हैं फिजिक्स में, वो कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या मतलब आप बीच में जो चीज़ें हैं ना डेरिवेशन में वो चीज़ें स्किप कर जाते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू आपके, उनको कैसे सॉल्व करना है, मतलब आपको ये टारगेट रखना है कि जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो कम से कम गलत हो। अगर हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन कम से कम गलत होंगे ना तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके आपको 90+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो आपका ये रहना चाहिए अब। यस सर ठीक है, कोशिश करोगे? यस सर, अपना बेस्ट करेंगे सर 100%। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर अगले एग्जाम के लिए। हाँ जी आर जी, आपका कब है एग्जाम? 29 तारीख। किस चीज़ का है? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का, कैसी तैयारी? तैयारी ठीक है सर, चल रही है अभी भी। कितने नंबर का पेपर है वैसे ज्योग्राफी? 70 का। 70 का। किस नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपके? 30 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उम्मीद है इस बार आप ज्योग्राफी में टॉप करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, तैयारी कीजिए और लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए साथ में, क्योंकि बच्चों का पेपर छूट जाता है कई बार, देखा है मैंने दूसरे केसेज में,
तो वो गलती आप ना करें, इसलिए पहले से सतर्क रहें और अभी से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो शायद पेपर भी बहुत अच्छा होगा और आप पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। और देखते हैं मार्क्स भी आपके 100 out of 100 आएंगे, ये हमारी शुभकामनाएँ हैं सभी को। मीट करते हैं, राम राम सर।